सेम इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोतवाली थाना रोड, नीमका थाना। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिको एरिया नीमका थाना, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब, धन्यवाद। नीमका थाना क्षेत्र में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर आगमन को लेकर प्रचार प्रसार रथ शहीद जेपी यादव पार्क से रवाना किया गया। भाजपा राष्ट्रीय सदस्य एवं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष विष्णु चेतानी ने प्रचार प्रसार रथ के रवानगी कार्यक्रम में बोलते हुए बताया कि भाजपा के 9 वर्ष कार्यकाल में सभी वर्गों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान रखा है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि स्वच्छ अभियान भारत के तहत 12 करोड़ शौचालय घर बनवाए गए हैं। पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को 3,45,00,000 घर बनवा दिए गए हैं। उज्ज्वल योजना के अंतर्गत 9.60 करोड़ को एलपीजी गैस कनेक्शन जोड़कर भारत की गृहिणियों को धुएं की रसोई से मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है तथा इस प्रकार के अनेक कार्य हुए हैं और कोरोना काल में भी केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। इस दौरान शहीद जेपी यादव पार्क में शहीद जेपी यादव, रामलीला मैदान, रामकुमार गुजर, कपिल मंडी, कपिल देव जी, खेतड़ी रोड स्थित होशियार सिंह, शहीद होशियार सिंह सामोता, अंबेडकर छात्रावास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रताप छात्रावास में सम्राट आनंद पाल तोमर, नेहरू पार्क में शहीद सुनील यादव, महात्मा ज्योतिबा फुले श्याम मंदिर में भगवान परशुराम जी के माल्या अर्पण कर रथ के लिए गांव-गांव के लिए रवाना किया गया। और इस दौरान यह लोग मौजूद रहे, विजय बंसल भाजपा वरिष्ठ नेता नीमका थाना, व्यापार संघ प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी पंसारी, कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष बनवारी लाल चेतानी, नरेंद्र सिंह शेखावत भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश पदाधिकारी शंभुदयाल हलवाई, भाजपा नेता दशरथ लादिया, भाजपा नेता योगेश सिंगल, पवन मित्तल, रामशरण मेघोतिया, रामता टेलर, ललित दालमिल, जेपी यादव पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, आंसू गुजर, अशोक विश्नोई, कृष्ण बिवाल, रवि शर्मा, सुमित अग्रवाल, गोपाल बजाज, सुभाष सदाका, मनीष शर्मा, निखिल सिंगल, उमेश अग्रवाल, रूपिन चेतानी, निखिल चेतानी, अनिश चौधरी, सचिन चेतानी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस दौरान इस रथ को रवाना किया गया और केंद्र सरकार मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में आम जनता को अवगत कराया। राम राम साहब, मैं थारो विष्णु चेतानी। आज नीमका थाना में एक रथ की शुरुआत 27 तारीख ने सीकर में मोदी जी आ रहा है, बीके वास्ते मोदी सरकार की 9 साल की योजना को प्रचार प्रसार और राजस्थान सरकार का निकम्मापन ने प्रदर्शित करवाते ही गांव गांव डाणी डाणी यो रथ जासी। आज नीमका थाना में रथ की शुरुआत जेपी यादव पार्क से करी, फिर सारा महापुरुषों का और शहीदा का स्टैचू पर जाकर प्रणाम कर इस रथ की शुरुआत करी, या गांव गांव डाणी डाणी और रथ जासी। सब लोगों ने परसों 27 तारीख ने अधिक से अधिक संख्या में मोदी जी के सभा में पहुंचना है। राम राम। आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांगी कॉलोनी नीम का थाना, उच्च शिक्षा श्रेष्ठ अध्ययन।